सो वेरी गुड मॉर्निंग गाइज, अभी हम निकल रहे हैं, देख रहे हैं गाड़ी की कंडीशन देखिए, अभी हम निकल रहे हैं गुजरात से, सो हम लोग अभी निकल रहे हैं गुजरात से एमपी के लिए, और अभी गाड़ी को थोड़ा ल्यूप कर लेते हैं बिकॉज जो आज का जो डिस्टेंस होगा लगभग 600-700 किलोमीटर तो होगा ही यहाँ से, और तो लगभग 800 का था लेकिन मैंने 150-200 किलोमीटर कवर कर लिए, तो और 600-700 बाकी है, तो ऑलमोस्ट हम लोग को चैन ल्यूप करने की ज़रूरत है। अभी चैन ल्यूप कर लेते हैं फिर सीधा निकलते हैं, लगभग 12 घंटे लगेंगे हमें, तो हम सीधा जा रहे हैं ओमकारेश्वर, ओमकारेश्वर से फिर उज्जैन जाएंगे, फिर आपसे बात करते हैं। तो चलिए फटाफट करते हैं चैन को ल्यूप। मेरी गाड़ी की कंडीशन देख रहे हैं, गाड़ी फुल्ली लोडेड कैसी लग रही है। हाँ, तो शायद से हम ही ऐसे पहले होंगे जो ये ऑल इंडिया राइड इतनी बड़ी कर रहे हैं, मतलब 12 ज्योतिर्लिंग वाली अब तक तो मैंने कहीं देखा नहीं, मतलब सुना नहीं। अगर आप लोगों ने सुना देखा है तो प्लीज़ बताइएगा नीचे कमेंट करके। तो अभी अपन फटाफट कर लेते हैं चैन ल्यूप। तो हमारे इस तरफ में है अपनी गाड़ी का सारा सामान, तो अपन कर लेते हैं दोनों डब्बे ओपन। बड़ा सिंपल है यार इसको ओपन करना, निकालिए अपनी चाबी और फटाफट हो जाता है ल्यूबिंग। तो ये है अपने पास चाबियाँ, मैंने ये जो अलग रखी हुई है ये मेन चाबी में नहीं है, वहाँ लगी हुई है चाबी, वही का अलग है, ताकि क्या है कभी आगे मिसप्लेस हो जाए तो एक बैकअप रहना चाहिए इसके लिए। तो ये है सेंटर वाले का, सेंटर वाला डब्बा हो गया, खुल गया और देखिए ऐसे खुल जाता है, ये दबाया लॉक खुल गया, अब इसको यूज़ कर सकते हैं अपन। तो इसको डाल देते हैं इसके अंदर। ओए होए देख रहे हो कितनी सारी सामान है मेरी बाहर, ऐसी रहती है, कल रात में ऐसी रख दी थी। और यहाँ से अपने को मिल जाएगा अपना चैन ल्यूब क्लीनर, इसको भी खोल लेते हैं डब्बे को भी, और दूसरा हाथ लगाना पड़ता है इस साइड वाले में। तो ये सारी चीज़ें अब यहाँ पे अपना ल्यूब, भाई ल्यूब किधर गया, ल्यूब किधर गया, ये यहाँ है ल्यूब, ये हो गया अपना ल्यूब, बाकी सारी चीज़ें अपनी यहीं रहती है। पंचर किट आपको मैंने बताया था ना, ये सारी चीज़ें पिलियन के लिए, ये और ये कचरा फेंकने के लिए थैली एक अलग से, एक माइक एक्स्ट्रा रखा हुआ है मेरे पास इन केस कभी मेरा माइक काम करना बंद कर दे तो, आपको तो पता ही गोप्रो के नाटक कितने होते हैं, तो इसलिए एक बैकअप रखना पड़ता है। इवन एक नहीं, मेरे पास दो दो बैकअप है शायद से। अब इसको सेंटर स्टैंड पे तो नहीं लगाऊंगा मैं, ऐसे ही कर लूँगा क्लीन, बिकॉज अभी सेंटर स्टैंड पे लगाऊंगा तो उसको निकालने के लिए मुझे बहुत ताकत लग जाएगी। हाय हाय, वैसे सिंगल स्टैंड पे लगाना बहुत मुश्किल होता है, बट क्या करूँ, अपने पास अभी कोई और सॉल्यूशन नहीं है, आधी चैन ऐसी हो जाएगी और फिर आधा जो बचेगा वो मैं धक्का दे दे करके आगे बढ़ जाऊंगा, वैसा कर दूंगा। यहाँ वाले में भी मारना ज़रूरी है भाई, कभी भी आप मारते हैं तो यहाँ वाले भी मारिए। चैन हो गई ऑलमोस्ट लियो, चैन लियो होना ज़रूरी है। अभी इसको थोड़ी देर रहने देते हैं, थोड़ा अच्छे से नहीं हुआ बट फिर भी काफ़ी अच्छे से हुआ है, ठीक है काम चलाने के लिए हो जाएगा। एंड नाउ डब्बा बंद, यार ल्यूप मारने के बाद है ना पूरे हाथ ना चिपचिपे हो जाते हैं वैसे, तो अपने पास एक कपड़ा भी ताकि यू नो कभी भी हाथ भी साफ करना रहे, तो ये तो ऐसे कुछ है, मैं ऐसे राइड पे मैनेज करता हूँ ये सारी चीज़ें, हल्का सा साफ कर देता हूँ, वैसे धुलवाना अलग से पड़ेगा ही इसे, अभी काम चलाने के लिए इतना काफ़ी है। आप कर लेते हैं डब्बा बंद, ये हो गया लॉक सिस्टम, इस पर दबाया लॉक किया, ये लॉक चाबी घुमाया लॉक, अब ये नहीं खुलेगा। अब रही बात इसकी, इसमें तो बहुत सारा है, चलो फटाफट एक काम करता हूँ मैं, गियर अप हो जाता फिर आपसे बात। तो हो चुके हैं हम गियर अप और फटाफट चलते हैं, इससे पहले यार अपना फेवरेट चीज़ चश्मा तो लगा लिया जाए। आय हाय हाय, तो हो चुके हैं हम अभी गियर अप और अभी चलते हैं फटाफट। देखिए गाड़ी की कंडीशन कुछ ऐसी है, और वो देख रहे हैं सनराइज़ हो रहा है, मज़ा आएगा मज़ा आएगा, अभी ठंडा ठंडा है फटाफट निकल जाते हैं वरना गर्मी में हालत ख़राब हो जाएगी। और जो हमने डिस्टेंस प्लॉट किया है वो है लगभग अभी है 2000, तो अभी डिस्टेंस जो हो रहा है वो 2548 किलोमीटर्स, और अभी आज हो जाएगा लगभग 3000 क्रॉस हो जाएगा आज। तो चलिए फटाफट देखते हैं, तब तक के लिए मिलते हैं हाईवे पर आपसे। Thank you.
बिकरिंग ऑन पब्लिक डिमांड, देख रहे हो फुल भर गया गाड़ी। एंड वी हैव डन स्टिकरिंग ओवर हियर, देख रहे हो। सो अगर कोई गुजरात से और इस हाईवे से जा रहा है तो यू कैन विजिट दिस प्लेस। तो यहाँ पे इनका नंबर लिखा हुआ है, बहुत सही काम करते, पूरी गाड़ी का काम करते हैं। सो वेरी गुड मॉर्निंग गाइज, अभी हम है गुजरात स्टेट हाईवे 60 पे और लगभग हमें 15 किलोमीटर के बाद एक राइट टर्न लेना है और अभी हम लोग है नंडीराड़ करके कोई रोड है उस पर है, है और रोड इतना अच्छा नहीं है वैसे, तो काश अगर ये मेन हाईवे होता ना तो बात ही अलग होती। तो अभी हम जा रहे हैं टूवर्ड्स ओंकारेश्वर। सो अगर हम बिना ब्रेक लिए चलेंगे तो लगभग हम 6:20 तक पहुँचेंगे ओंकारेश्वर, बट इन बिटवीन हम एक ब्रेक लेंगे, बड़ा ब्रेक लेंगे जिसमें हम नाश्ता विश्ता करेंगे, बिकॉज अभी तक हमारा नाश्ता हुआ नहीं है। तो लगभग 6:30 को हम निकले थे राजकोट के पास से, तो वहाँ पे हमने लिया था स्टे, फिर वहाँ हमने कराई थी चैन ल्यूबिंग और अभी हम जाएंगे टूवर्ड्स दिस। वॉट अ सस्पेंशन, देख रहे हो ऐसे बैड रोड पर भी सस्पेंशन माशाल्लाह काम कर रहा है, मज़ा आ गया है सस्पेंशन से। स्पीड आई एम मेंटेनिंग 70, 80, 90 ऐसे रोड पे, और जब थोड़ा कम उड़ जाते 80, 90, 100, दिस इज द स्पीड आई एम मेंटेनिंग। रोड्स आर गुड और अभी अपनी जो रेंज दिखा रहा है 79 किलोमीटर, यानी कि जो भी अपना गाड़ी में पेट्रोल है और 79 किलोमीटर चलेगी उसके से पहले अपने को पेट्रोल भरवाना पड़ेगा। तो अगर आगे कोई अच्छा पेट्रोल पम्प मिलता है एंड ब्रेक लेने भी मिलता है तो वी विल डू बोथ द थिंग्स टुगेदर। ओ गॉड, मज़ा आ रहा है वैसे तो, और जो सीट का कंफर्ट लेवल है ना भाई, मज़ा आ गया। मतलब गाड़ी लॉन्ग डिस्टेंस के लिए बहुत सही है, बस ऐसी है कि ज़्यादा बोलते ना हाइप नहीं करेगी आपको, जैसे हाई रेविंग पे नहीं। अभी 5000 RPM में है, अभी यही 7000-8000 RPM पे लेके जाओ और वापस जब आप एक्सीलेटर नॉर्मल कर दोगे ऐसे तो वापस 4000-5000 पे आ जाएगी। तो सम टाइम इट इज़ लाइक आपको पता ही नहीं चलेगा गाड़ी रिटर्न नीचे आ गई 60-70 की रेंज में। ओह हो, स्पीड ब्रेकर आया, स्पीड ब्रेकर आया। अभी हम लोग डाकोड़ में, मतलब डाकोड़ जा रहे हैं आगे, ये वंथ वाली जगह का नाम है, ओके, जहाँ हमें भी वंथ वाली है, शायद मैंने प्रोनाउंस राइट किया, आई एम सॉरी अगर रॉन्ग किया हो तो। तो चलो अब चलते हैं, ब्रेक लेते हैं फटाफट। गाड़ी चलाते चलाते हो गई है शाम, बज चुके हैं 5:30 शाम के, और ये देख रहे हैं इंदौर शहर और क्या ही बढ़िया रोड है। तो आगे लगभग और 5 किलोमीटर बाद हमें वहाँ से लेना है एक राइट टर्न, फिर हम हो जाएंगे ओंकारेश्वर की तरफ तैयार। और ओंकारेश्वर की लगभग दूरी है यहाँ से 70 किलोमीटर्स, एंड सब लोग बोल रहे हैं कि रोड बहुत अच्छा है, देख रहे हो राइट साइड में टाउन, वाह इंदौर का क्या डेवलपमेंट है ना, एकदम कमाल का ही बना हुआ है। राइट हैंड साइड मस्त एकदम फ्लैट सिस्टम्स, अगेन यहाँ पे पूरा न्यू एरिया बिल्डअप होते हुए, रोड वीड का कंस्ट्रक्शन हो चुका है। वाह 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 वाह, मज़ा आ गया देख करके। तो ओके, आफ्टर दिस ब्रिज एक और ब्रिज, उसके बाद में ओके, बिल्डिंग का नाम क्या है, न्यूयॉर्क सिटी, भाई ये तो गलत बात है यार, कम से कम इंदौर में इंदौर न्यू इंदौर सिटी कर देते यार, ऐसा कुछ कर देते, न्यूयॉर्क सिटी क्या होता है, टाटा मोटर सर्विस स्टेशन, क्या बोलना भाई, न्यूयॉर्क से बेटर लग रहा है आपका शहर और आप हो कि न्यूयॉर्क का नाम दे रहे हो। कोई बात नहीं, जैसी आपकी पसंद, नाम में क्या रखा है वाली बात है, बट काफ़ी अच्छा है, रोड काफ़ी अच्छा है, स्पेस काफ़ी अच्छा है, मतलब फ्यूचर इंदौर का बहुत ब्राइट है, जब ये बन जाएगा तो क्या ही लगेगा ना। देख रहे हो कितना प्यारा हाईवे है, ना खड्डे हैं ना कुछ, अच्छे से बिल्डअप किया हुआ है। यहाँ से फटाफट चलते हैं ओंकारेश्वर की तरफ,
और ओंकारेश्वर के बाद में दर्शन करके हम शायद देखेंगे तो थोड़ा सा कवर कर लेंगे टूवर्ड्स उज्जैन के लिए, बिकॉज हम सोच रहे हैं कल उज्जैन को भी निपटा दिया जाए। कल है सैटरडे का दिन और उज्जैन हमने इससे पहले विज़िट कर चुके हैं, लेकिन वापस करना है तो है ही। तो हम सोच रहे हैं अगर भस्म आरती मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं मिलती है तो भी वेल एंड गुड है, दर्शन तो करके ही रहेंगे हम। तो कल उज्जैन हो जाएगा, कल है सैटरडे और आज है फ्राइडे, फ्राइडे को ओंकारेश्वर और सैटरडे को महाकालेश्वर। यार आप लोग फटाफट कमेंट करके 10,000 सब्सक्राइबर तो पहुंचा दीजिए। तो मैं सोच रहा था अगर ये राइड से ख़त्म होने से पहले इस मंथ के एंड तक अगर अपने 10,000 सब्सक्राइबर हो गए तो एक और गिफ्ट लेकर के आएंगे फिर आप लोगों के लिए, अब वो कुछ भी हो सकता है। फटाफट 10,000 पहुंचा दीजिए फिर बताता हूँ आपको। सीन हो गया यहाँ पे, हो रही है बारिश। वैसे अपने पास रेनकोट वेनकोट तो है बट इतनी भी नहीं हो रही है कि रेनकोट निकाल के पहनूँ, मतलब बूंदा बूंदी दिखी थी पीछे, थोड़ा गीला था। और ये हम अभी उतर रहे हैं घाट, और ये घाट सच में ख़तरनाक है। मैं लास्ट टाइम जब आया था तब का मुझे याद है, थोड़ा यूनिक टर्न है, जाते वक्त इधर है, चढ़ने वाले इधर है, कुछ अलग ही इसका देख रहे हो घाट उतरने की कृपा में दाहिने हाथ से और वहाँ से चढ़ने वाले, कुछ भी अलग ही सिस्टम है इधर का। तो यहाँ देखते हैं बस और बारिश ना आए, इससे बारिश आके गई है तो देख रहे हो पूरा गीला है। बट यही सबसे ख़राब होता है जब आप ऐसे टर्निंग वाले रोड पे हो, ऐसे घाट पे हो, इट इज़ रियली वेरी रिस्की। देखो अरे माँ कसम, कब बनेगा ये रोड, आखिरी बार आया था तभी भी ऐसे ही था ये रोड। तो यहाँ से ऐसा है कि अगर आपको उतरना है तो यहाँ से, उसके बाद चढ़ना है तो वहाँ से, चढ़ने के लिए लॉन्ग टर्न, उतरने के लिए शॉर्ट टर्न, ऐसे ही कुछ है इनका लॉजिक। हम धीरे धीरे उतरते हैं, बच चुके हैं 6। मौसम थोड़ा अजीब ही हो गया है यहाँ का, कुछ गीला लग रहा है, गर्म भी है, आगे अंधा मोड़ है, एक्सीडेंट ब्लैक स्पॉट, मतलब फुल टर्न होगा आगे। अब सब्र नहीं हो रहा है ओंकारेश्वर में जाने का। सो टुडे वी स्ट्रेच लिटिल बिट मोर, आई मीन आई वाज नियर द राजकोट, और राजकोट से यहाँ तक मैंने एक ही दिन में और ऑलमोस्ट 2 ही बार ब्रेक लिया है। शॉर्ट ब्रेक्स मैंने 2-3 लिए हैं, लॉन्ग ब्रेक्स मैंने 1 या 2 बार ही लिया है, फ्यूल ब्रेक 2 बार हुआ है अपना। तो काफ़ी यू नो दिस टाइम वाज थोड़ा सा, आई वाज थोड़ा सा तेज़ आई कैन से, एक इसमें तेज़ होना पड़ेगा और इसके बाद वाला जो है उत्तराखंड वहाँ पे, बिकॉज दीज आर द नेशनल हाईवेज़ एंड यू कैन ओनली कवर द डिस्टेंस इन दीज 2 हाईवेज़। बाकी सबका मुझे इतना पता नहीं है, ये 2 हाईवे थोड़े देखे विखे हैं इसलिए मैंने थोड़ा सा यू नो 80-90-100 रखा था मेंटेन। ओए होए अरे बहुत ख़तरनाक हो गया यार, रोड स्लिपरी हो गई है पूरी, वो पता चल रहा है। एक तो टायर के इतने ग्रिप नहीं पता चल रहा, मतलब अभी नए नए टायर है, समझ लो 3,000 तो चले बेचारे, और 6 ही दिन तो हुए हैं गाड़ी को आए हो। सावधान, आगे अंधा मोड़ है। और जब गर्म ज़मीन पे बारिश आती है तो पता है आपको कैसी ऐसी खुशबू आती है, बिल्कुल अभी मैं भी वही खुशबू ले रहा हूँ। तो काफ़ी यूनिक है ये खुशबू और काफ़ी अच्छी भी लग रही है। और मैं कुछ ज़्यादा ही नीचे से जा रहा हूँ, आई एम नॉट सपोज टू गो। चलो राइट में ले लेते हैं, बाय, गाड़ी लोडेड है। वैसे एक अच्छा है यार, चेतक को ऑलमोस्ट हर कोई देखता है, ऑलमोस्ट हर कोई एक नज़र तो देखेंगे ही देखेंगे, ऐसी गाड़ी है। वाह क्या ही बात है ना। तो गाइस पिछले बार जो हमने गलती किए थे, इस बार वो गलती हमने नहीं की है, हम बराबर ओंकारेश्वर वाला रास्ता पकड़ के आए हैं। पिछली बार गलती ये हो गई थी, वहाँ पे कुछ गवर्नमेंट डैम था और हम उस तरफ से चले गए थे, वहाँ पे भाई आर्मी पुलिस वाले थे, भाई ये कहाँ आ गए वो कहाँ आ गए, नहीं जाने देंगे ये वो,
फिर वापस 20-25 किलोमीटर रिटर्न घूम के आना पड़ा था, और यहाँ से वापस इस रास्ते से ही गए थे हम लोग। तो इस बार मुझे अच्छे से याद था, और गूगल मैप के भरोसे पिछले बार आया था। वैसे आपको कुछ दिख नहीं रहा होगा ना, रुको आपको एक मैजिक दिखाता हूँ। देख रहे हो हमारी लाइट का फ़ायदा, देख रहे हो? तो हमने इसलिए लगवाया ताकि कोई हमें अपर डिपर ना दे तभी। वैसे हम यूज़ तो ज़्यादा करते नहीं हैं, डबल लेन पे तो बिल्कुल भी नहीं करते, जब सिंगल होते हैं तभी यूज़ करते हैं, और वो भी सिर्फ फ्लैश के लिए यूज़ करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, बाकी नहीं करते। बट ज़बरदस्त लाइट है ना, मतलब मैंने कोई ओरिजिनल नहीं डलवाई है, बट स्टिल मेरा काम निकल गया। अभी ओरिजिनल डलवा के कोई मतलब नहीं था, बहुत महंगी आ रही थी यार, 5,000-7,000-10,000-20,000 इतनी लाइटों का कॉस्ट है यार, उतने में तो एक आदमी आगे लाइट लेकर के बैठ जावे। देख रहे हो, ऐसे एक बार पासिंग दिया और निकल गया। तो ओमकारेश्वर यहाँ से है लगभग 16 किलोमीटर दूर, और रास्ते में पूरा अंधेरा है। तो चलते सीधा मंदिर में चल के बात करता हूँ आपसे, या फिर होटल ले लेते हैं, होटल के अंदर चल के आपसे बात करते हैं। सो गाइस, मेरी लाइफ में ये सेकेंड टाइम मैं ये ब्रिज पर वॉक कर रहा हूँ। तो ये है ओमकारेश्वर का ब्रिज, और इससे पहले भी मैं आ चुका हूँ। तो पहले थी अपने पास सपना R15, और अभी है अपने पास चेतक BMW 310 GS। और आपको बताता हूँ मंदिर किस तरफ, मंदिर है इस तरफ, दिखा आपको, वो है मंदिर है। ये ब्रिज पर वॉक करने का अलग ही मज़ा है। तो आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ मंदिर कितना प्यारा लग रहा है। तो ऐसे कुछ लग रहा है मंदिर। अभी हम यहाँ से वॉक करते करते पूरा उस तरफ जाएंगे। ये है नर्मदा नदी, और ये पूरा आइलैंड है। मैं पहले घूम चुका हूँ, 7 किलोमीटर का पूरा ये था वॉक। मैं यहाँ से पूरा वॉक करके फिर यहाँ से पीछे ज़्यादा देखा। उफ 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 उफ, क्या ही लग रहा है ये मंदिर यार, दिल खुश हो गया इसको देख के ना। चलो फटाफट अंदर चलते हैं, दर्शन करते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। सो गाइस, दर्शन करके हम अभी आ चुके हैं अपने ये रूम पे। अच्छा खासा रूम है, बहुत कम में मुझे मिल गया है, मतलब 300 रुपीज़ में मुझे मिला है। और एक सबसे बेस्ट जो मुझे लगा आफ्टर दर्शन, जब आप बाहर आएंगे ना, तो ब्रिज के बाद में ना, मुझे होटल वाले ने सजेस्ट किया था कि माँ गायत्री करके ब्राह्मण भोजनालय करके एक है, वहाँ जाके खाना ट्राई करेगा। मैंने खाया, मुझे लगा बहुत ज़्यादा बिल हुआ होगा, बट बाद में उन्होंने बोला सर 60 रुपीज़ थाली, आप कुछ भी खाइए अनलिमिटेड। मैंने पहले बोलते और खाता मैं, बट बहुत अच्छा खाना था, जो दाल बाटी ये सब थी, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें थी, रोटी थी, चावल था, बहुत सही था। तो अगर आप लोग भी कभी ओमकारेश्वर विजिट करते हैं तो आप लोग जाइए, ट्राई करके देखिए, अच्छा लगेगा शायद से, क्योंकि मुझे तो अच्छा लगा। चलते हैं फटाफट सोते हैं, कल सुबह उठते हैं। उससे पहले आपसे एक बात करना चाहता हूँ कि आप लोग है ना, ये मत ट्राई करिएगा जो मैं कर रहा हूँ अभी, कि बोलते हैं ना एक साथ इतने लंबे लंबे स्ट्रेच वाली राइड। ये क्या, थोड़ा सा मेरा टाइम शेड्यूल मैं प्लानिंग करके चल रहा हूँ, ये सारी मेरी एक प्लानिंग है, एंड थोड़ा सा मेरी प्रैक्टिस भी है। मैं कह सकता हूँ कि यहाँ आने से पहले भी मैंने और प्रैक्टिस कर ली थी, 600 किलोमीटर राइड कर ली थी। तो प्लीज़ आप लोग ट्राई करने से पहले अपने आप को यूज टू करिए, फिजिकली मेंटली सब तरह से फिट रहिए, सारी एसेसरीज पकड़ लीजिए। आप मेरे पहले ब्लॉग में जा करके देखेंगे तो आपको पता चला मैं क्या क्या चीज़ें कैरी कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है वो सारी चीज़ें कैरी करना। कुछ भी अगर अप डाउन होता है तो आपका बैकअप हमेशा एक रहना चाहिए। तो खैर, इस वीडियो में इतना ही था, बाकी सारी बातें करेंगे अपकमिंग के वीडियो में। तो मिलते हैं कल सुबह 9:30 को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लव यू ऑल। आप लोगों का प्यार बहुत आगे बढ़ रहा है मुझे, मतलब आप लोगों का प्यार मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है आगे बढ़ने में। थैंक यू सो मच फॉर मोटिवेटिंग मी। बाय बाय, टेक केयर, सी यू टुमारो 9:30।